क्या बात है अर्पिता, कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। कौन सा खजाना मिल गया? बहन लक्ष्मी बहन, अब आके कुछ बोलोगी भी कि लक्ष्मी बहन की ही रट लगाए रहोगी? लक्ष्मी बहन लक्ष्मी बहन। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पानी नहीं, पानी नहीं। ओह रिलैक्स रिलैक्स, पहले शांत हो जाओ फिर बात करना। लक्ष्मी बहन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? आज मेरा जन्म सफल हो गया लक्ष्मी बहन। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हुआ क्या ये भी तो बताओ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पहले चाय बना के लाती हूँ। नहीं बहन, अभी मैं चाय नहीं पीऊंगी, अभी पहले मेरी एक बात तो सुनो। आज जानते मेरे साथ क्या हुआ? अरे जब तक बताओगी नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ, दर्द इतना बड़ा कि आंखों और गर्दन में आ गया। किसी तरह मैं उठ तो गई, लेकिन दर्द के मारे मेरे को चक्कर सा, पता नहीं कैसे मैंने इनके लिए लंच तैयार किया। फिर क्या हुआ? फिर मैं नहा कर पलंग पर लेटी और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, ना कान्हा की पूजा ना कान्हा का भोग, कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो जीजा जी ने कुछ नहीं किया, कुछ दवा वगैरह नहीं दी? हाँ, ये बस कह गए डॉक्टर को दिखा देना और ये बस ऑफिस चले गए। मैं अकेली घर में रह गई और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई दवा वगैरह ले लूं। आप कौन है? अरे मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। बताओ तबीयत कैसी है? सिर दर्द सही है? हाँ ठीक है ठीक है, अब नहीं होगा दर्द। बहन आपका बल तो दरवाजा तो बंद था। हाँ हमने बंद कर दिया, बाहर बहुत सारी गाय घूम रही थी। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या नाम है आपका? मैं सुलोचना। आज सुबह तुम्हारे प्रिय ने मुझसे कहा कि अर्पिता को पता नहीं क्या हो गया, जरा देख लेना। उन्होंने आपसे कहा? ये काम मिला आपको? जब वो अपने काम से जा रहे थे ना तभी। अच्छा मैं चलती हूँ, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जी बिल्कुल नहीं, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं कुछ समझ नहीं पा रही। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पी, मैं तो बस चलना लेती थी। चलना मत, चलना मत, मैंने आपके लिए सुबह बनाया ही नहीं। कोई नहीं, फिर कभी आकर पी लूंगी। आप कहाँ रहते बहन? आप हमारे इनको कब से जानती हैं? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो भी मिला करते हम दोनों। अब रोज मिला करते हैं और इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। हाँ हो जाता है कभी कभी ऐसा। बैठिए मैं आपके लिए पानी ले। नहीं नहीं नहीं, रहने दो अर्पिता, अब मैं चली गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट मैं अभी लाई। अरे कहाँ गई? सुलोचना बहन, सुलोचना बहन, अरे कहाँ गई? अभी तो यही थे। दरवाजा तो अंदर से बंद है, कहाँ चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने इनको फोन करके पूछा कि आपने किसी को मेरे सिर दर्द के बारे में बोला था क्या? फिर जीजा जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा मैंने तो किसी को नहीं बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने लंच उठाया और चल गई। मेरे को देर हो रही थी, औरत आई थी सुलोचना नाम बता रही थी, उसने मेरे सिर में पता नहीं क्या किया, एकदम से सिर दर्द गायब हो गया।
ऐसा लगा कि मेरे सिर में दर्द था ही नहीं, हो ही नहीं रहा। फिर जीरा जी ने क्या कहा? हाँ, ये कह रहे थे कि जब मैं कान्हा जी की जोर जगा रहा था तो मैंने कान्हा जी से ये कहा है कि अर्पिता के सिर में पता नहीं क्या हो रहा है, आप देख लेना। सच में अर्पिता, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो सुलोचना कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। हाँ बहन, वही थी वही थी। तभी से दरवाजा भीतर से बंद था और वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। राधा रानी से मेरी मेरा सिर दर्द ठीक कर दी। जय हो राधा रानी, मैं धन्य हो गई। राधा रानी धन्य। राधा रानी का धन्यवाद तो करो ही, पर उससे पहले कान्हा का धन्यवाद भी तो करो, जिन्होंने राधा रानी को तुम्हारे पास तबीयत ठीक करने के लिए भेजा। बोलो राधे 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 राधे।
छोड़ न जाना नटवर नागर मेरी, सारी खुशियाँ मेरी वहाँ है, मोहन तू है जहाँ, प्रेम धुन मुझको सुना को सुना। कॉमेडी शो नानी नातियों वाली। अरमान तो मेरी हर बृहस्पतिवार देखना ना भूलें सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। हंसाते रहिए हंसते रहिए नानी नातियों वाली। आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल आस्था के आंसू। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक काना को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना ना भूलें आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी।